सभी को चंद्रदीप का प्यार भरा नमस्कार. वेलकम टू माय चैनल. हाय गाइस, दिस इज चंद्रदीप फ्लूट एंड टुडे इज आवर फर्स्ट लेसन. कौन सी फ्लूट खरीदे? बिगिनर्स का एक मिलियन डॉलर क्वेश्चन है कि फ्लूट खरीदना कौन सी चाहिए, कौन सी स्केल की फ्लूट बिगिनर्स के लिए अच्छी होती है, उनकी फिंगर मूवमेंट्स कौन सी फ्लूट पर ज़्यादा अच्छे से बैठेगी, कौन सी फ्लूट पे अच्छे सुर वो लोग निकाल सकते हैं, कौन सी मेकर की फ्लूट अच्छी होती है, सारे क्वेश्चंस मैं आपको आज बताने वाला हूँ. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हमें सबसे पहले क्या नहीं लेना है वो हम उसके सबसे पहले बात करेंगे कि हमें कौन सी फ्लूट नहीं खरीदनी है. लेट्स से गाइस, इस तरह की फ्लूट जो हम लोग यूजुअली लोकल मार्केट से लाते हैं, इस तरह की फ्लूट बिगिनर्स ने अवॉइड करनी चाहिए. रीज़न बीइंग, बिगिनर्स को लगता है मैं प्रोफेशनल फ्लूट लेके अभी क्या करूँ, मुझे क्या ज़रूरत है, मैं प्रोफेशनल फ्लूट क्यों बजाऊंगा, क्योंकि मैं उस लेवल पे पहले पहुँचूँ, एक दो तीन महीने बजाता हूँ, एक मैं अच्छा बजाना शुरू करूँ, उसके बाद मैं प्रोफेशनल फ्लूट खरीदूँगा. बट ऐसे नहीं होता है. आपको प्रोफेशनल फ्लूट की और एक वेल ट्यून्ड फ्लूट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. रीज़न बीइंग, लेट्स से कि आप ऐसे कोई लोकल मेड फ्लूट किसी भी लोकल शॉप से आपने परचेस किया है, उसके बाद क्या होगा, आप कुछ दिन बजाओगे एंड आफ्टर दैट यू विल फील कि अरे यार वो मज़ा नहीं आ रहा है, उतने अच्छे से बज नहीं रही है, मे बी मेरा प्रैक्टिस उतना नहीं है या मैं बजा नहीं पा रहा हूँ या बजा नहीं पा रही हूँ. उस वजह से आप क्या करोगे, यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड एंड यू विल लूज़ इंटरेस्ट इन द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ अ रियली ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट. उसके बाद आप कुछ दिन बजा के यू जस्ट लीव द फ्लूट कि यार मुझे नहीं आ रहा है, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, तो यू विल जस्ट स्टॉप लर्निंग. बट ऐसे प्लीज़ मत कीजिए. बट अगर किसी के पास ऑलरेडी ऐसी फ्लूट है और वो लोग बजा रहे हैं, अच्छा बजा पा रहे हैं उसमें, सो इट्स रियली गुड थिंग. बट जो जिन्होंने अभी तक परचेस नहीं की है कोई फ्लूट, सो आई जस्ट टेल यू कि कौन सी फ्लूट आपने खरीदनी चाहिए एंड कौन सी स्केल की फ्लूट बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छी होती है. नाउ उसमें भी अभी दो क्वेश्चन हैं, आप करना क्या चाहते हो. लेट्स से कि फर्स्ट थिंग इज़, अगर आप क्लासिकली ट्रेन होना चाहते हो फ्यूचर में, यू आर गोइंग टू सी अ गुरुजी और उनके पास आप सीखोगे, उस केस में क्या करना चाहिए हमको. उस केस में हमें क्या करना है कि आपने जी शार्प फ्लूट लेनी है. अब इसका रीज़न क्या है, जी शार्प फ्लूट क्यों लेनी है. जी शार्प फ्लूट एक मीडियम स्केल का फ्लूट है, मतलब ना कि टू शार्प, मतलब एकदम छोटी भी नहीं है और बहुत बड़ी भी नहीं है. लेट्स से कि आपको अभी दो तीन महीने बजाने के बाद में नाउ यू आर फीलिंग लाइक कि मुझे बड़ी फ्लूट्स बजानी है, एफ शार्प बजानी है, एफ़ बजानी है, और यू नीड टू ग्रेजुएट योर सेल्फ टू ई बेस फ्लूट, डी बेस फ्लूट. अभी अगर आप ई बेस फ्लूट का साइज़ देखें, इट इज़ दिस बिग. ओके, इस पे अगर आपके फिंगर आप देखोगे तो यहाँ पे यू हैव टू कीप द फिंगर्स इस तरह से. ओके, तो देखिए कितना स्ट्रेच पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच पड़ रहा है. इस प को बजाने के लिए और सा को बजाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करना पड़ रहा है अपने फिंगर्स. नॉट ओनली दैट, डी बेस फ्लूट इवन बिगर दैन दैट, एक ऑलमोस्ट 36-38 इंचेस का फ्लूट होता है. अगर आप ये देखोगे तो इसमें और ज़्यादा मेरी फिंगर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हो रही है. ओके, तो अगर आपको क्लासिकल सीखना है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू गो क्लासिकल, राग बजाना चाहते हो और क्लासिकल के आलाप बजाना चाहते हो, उसके लिए जी शार्प फ्लूट टू बिगिन विथ इज़ अ रियली गुड फ्लूट. इसमें आपके फिंगर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं होंगे, यू कैन ईजिली एक्सटेंड योर फिंगर्स टू प एंड सा. ओके, इसमें आपको ज़्यादा उंगलियों में दर्द वगैरह कुछ नहीं होगा, सो यू जस्ट गो विद द जी शार्प फ्लूट. इट्स रियली नाइस फ्लूट टू बिगिन विथ. ओके, सेकेंड थिंग इज़, मुझे क्लासेस नहीं करनी है, मुझे सिर्फ यूट्यूब से कुछ सॉन्ग्स बजाने हैं ताकि मैं अपने फ्रेंड्स को इम्प्रेस कर पाऊँ या यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे अपलोड कर पाऊँ. सिंपल सॉन्ग, छोटे छोटे सॉन्ग्स यूट्यूब से सीख के मैं बजा पाऊँ. उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए अगर आपके पास ऑलरेडी कोई लोकल ब्रांड की फ्लूट है तो इफ़ यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड प्लेइंग ऑन दैट, थोड़े दिन बजाइए, बट उसके बाद जस्ट रिप्लेस योर फ्लूट विद अ प्रोफेशनल फ्लूट. बहुत ज़्यादा महंगी भी आपको नहीं जानी है. कौन सी फ्लूट्स आपको खरीदनी है, कौन से मैन्युफैक्चर से लेना है, सस्ती फ्लूट, अच्छी वेल ट्यून्ड फ्लूट्स, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा. बट फॉर नाउ कौन सी फ्लूट से स्टार्ट करनी, यू कैन ईदर स्टार्ट विद फ्लूट सी, दिस इज़ अराउंड 19 इंचेस, और यू कैन स्टार्ट विद सी शार्प. ओके, दिस इज़ अराउंड 18.6 इंचेस. तो इसमें आपको, मतलब अगर आपकी सिर्फ हॉबी है और आपको ज़्यादा उसमें क्लासिकल वगैरह में नहीं जाना है, तो यू कैन जस्ट बाय सी शार्प फ्लूट, वेरी स्मॉल क्यूट फ्लूट. इसमें आपके फिंगर्स भी अच्छे से मूव होंगे
एंड यू कैन प्ले वेरी प्रॉपरली इन दिस. तो जस्ट गो एंड बाय द शीशा फ्लूट फॉर इन दिस केस. ओके, अब रहा सवाल कि हमारे पास तानपुरा नहीं है. कोई बोलता है कि तानपुरा पे प्रैक्टिस करो, कोई बोलता है कि रिदम आना ज़रूरी है. ये सारे क्वेश्चंस मैं आपके आंसर करने वाला हूँ अगली बार. नॉट ओनली दैट, मैं आपको तानपुरा फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल करवा देने वाला हूँ फॉर योर स्केल्स, फॉर द बेसिक सी स्केल, फॉर द बेसिक सी शार्प स्केल एंड ऑल्सो फॉर द ई बेस स्केल. ऑलमोस्ट 30 to 40 मिनट्स का तानपुरा रहेगा. नॉट ओनली दैट, अगर इफ़ यू वॉन्ट कि मैं आपको तबला भी प्रोवाइड करूँ 120 to 130 स्पीड पे, दैट ऑल्सो आई एल मेक दैट अवेलेबल फॉर यू गाइज. So till then, stay tuned and subscribe to my channel. Comment, share and subscribe. See you. Bye-bye. Thank you.